अस्सलाम वालेकुम, मैं बना रही हूँ गवार की भाजी, गवार बटाटा। तो मैंने उसके लिए ली हूँ ये 1.25 किलो गवार और ये बटाटे, इस तरह मैंने काट के रखी हूँ। देखो ये 1.25 किलो गवार जो मैं तोड़ के धो के पानी में रखी हूँ, और 2 चम्मच तेल ली हूँ, 1 कांदा ली हूँ, और ये अपने सूखे मसाले हैं जैसा धनिया की बुक्की, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये हल्दी पाउडर और ये नमक। ये है पूरे अपने मसाले। और मैंने ये 3 टमाटर काट के रखी हूँ यहाँ पे, और लास्ट में अपन मैगी मसाला डालेंगे, और ये मैंने कोथमीर तोड़ के रखी। अब मैं इसको गैस में चढ़ाती हूँ। अब मैंने इसके अंदर 2-4 करी पत्ते ले डाली हूँ, उसकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है। और मैं है ना कुकर में भाजी बनाती हूँ, क्योंकि है ना अपना गैस भी ज़्यादा नहीं जाता और अपना वक्त भी कम लगता है, इसलिए मैं ना भाजी हमेशा कुकर में ही बनाती हूँ, ताकि क्या जल्दी बनता है और अपना टाइम भी वेस्ट नहीं होता, दूसरे काम भी अपन कर सकते हैं। अब ये लाल हो गया कांदा, अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर उसके बाद मैं ये सब मसाले डाल के गैस थोड़ा धीमी कर दूंगी और उसके अंदर ये भाजी डाल दूंगी। अभी मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाली और गैस मैंने बारीक करी हूँ। अब मैं क्या करूँगी, ये मसाले डालूँगी, ये धनिया की बुक्की हूँ ये डालूँगी, गैस बारीक है न तो खसका लगेगा। ये जीरा पाउडर है, ये मिर्ची की मिर्ची पाउडर है। मैंने आपको बताई थी मैं हरी मिर्ची कम खाती हूँ, क्योंकि ये बहुत तेज रहता है और कलर वाला रहता है। डाली मैंने मिर्ची पाउडर, और ये मैंने हल्दी पाउडर डाली। अब मैं क्या डालूँगी, इसमें टमाटर डाल दूँगी ताकि ये मसाले के साथ भुने जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको भून के अपनी जो भाजी है वो डाल दूँगी। आप ज़रूर बनाइएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा, मैं आपको एक अच्छी अच्छी रेसिपी बता रही हूँ, और आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और मुझे शेयर करना भूलिएगा, मुझे लाइक करिएगा, मुझे सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा प्लीज़। क्या मैं आपको अच्छी अच्छी रेसिपी ला के बताते रहूँगी, बस आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। अब मैं इसके अंदर भाजी डालूँगी। अब मैंने सारा देखो मसाला डाल चुकी, देख रहे हैं ना कैसे लाल लाल, देखो इस तरह। और मैं अभी से है ना ये कोथमीर डाल दूँगी, क्योंकि है ना ऊपर जो डालते हैं ना तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, दांत में खचखचाता है, इसलिए मैं इसमें ही पका दे रही हूँ ताकि वो खुशबू भाजी के अंदर बस जाए। और मैंने नमक भी डाली थी, और देखो मैं ना ये 1/2 ग्लास पानी डाल रही हूँ, उस दिन बोलने में मुझसे गलती हो गई थी, ये मैंने 1/2 ग्लास पानी डाली हूँ। अब मैं इसको कुकर की सीटी लगाऊँगी, देखो है ना कितना अच्छा लग रहा है। आप ज़रूर है ना, मैं बनाती हूँ, मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ, तो आप ज़रूर ये सब ट्राई करिएगा, क्या ये ज़रूर करिएगा ट्राई, और मुझे ज़रूर ज़रूर कमेंट पे लिख के भेजिए कि मैं और कुछ बनाने की कोशिश करूँगी। अब मैंने ये कुकर चढ़ाई हूँ गैस पे, अब इसको 2 सीटी बजेंगी और मैं गैस करूँगी पास, ठीक है। अब ये इसमें बन जाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। लास्ट में मैं डालूँगी जब मैगी मसाला। ये देखो मेरी भाजी हो गई है, अच्छे मसालेदार और अच्छा मस्त, क्या खुशबू भी अच्छी आ रही है, क्या देखो कितना अच्छा भाजी बना हुआ है, सूखा सूखा मस्त, ना सूखेगी मैं ना किले में है, स्पाइसी भी बनी हुई है, मस्त एकदम अच्छी लग रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी, लाजवाब आ रही है माशाल्लाह। देखो अभी मेरी चपाती मैं बनाऊंगी, इसे खाऊंगी। आप मुझे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखना
और दुआ में याद रखना और खाने को आओ। अल्लाह हाफिज़।